34 साल पुरानी दिग्गज मीडिया कंपनी एनडीटीवी पर बहुत ही जल्द एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के ग्रुप का कंट्रोल होगा। इस टेक ओवर से गौतम अडानी को मीडिया सेक्टर में दुनिया के सबसे दिग्गजों में शामिल होने में मदद मिलेगी। दरअसल इस टेक ओवर के पीछे एक लोन है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनडीटीवी बिक गया और उसके फाउंडर को, मैनेजमेंट को या फिर किसी जर्नलिस्ट को भी इस बात का पता नहीं चला। तो पूरा मैटर क्या है डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। एनडीटीवी पर अडानी ग्रुप का कब्जा, 29% शेयर खरीदने के साथ किया दावा। प्राइसेस सब्सिडरी एएमजी मीडिया इज एक्वायरिंग 100% स्टेक इन विश्व प्रधान कमर्शियल। विद दिस अडानी एंटरप्राइजेस विल इनडायरेक्टली ओन 29% स्टेक इन एनडीटीवी। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी अब एनडीटीवी न्यूज चैनल में 29% स्टेक के मालिक बनने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही कम गिने चुने न्यूज चैनल्स बचे हैं जो अनबायस जर्नलिज्म करते हैं, जबकि इंडिया में ज्यादातर न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तारीफ और हर एक मैटर में विपक्ष से सवाल करते हैं, जबकि मीडिया का काम होता है गवर्नमेंट से सवाल करना। इन सब में एनडीटीवी और रविश कुमार ने हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है। अगर हम रविश कुमार का शो प्राइम टाइम के साथ दूसरे चैनल के शो को कंपेयर करते हैं तो हमें साफ दिखेगा कि आज तक सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, महंगाई और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शो करते हैं, जब दूसरे चैनल हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को करवाने में बिजी है। कुछ लोग रविश कुमार को एंटी गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी कहते हैं। कुछ दिन पहले तो उनके पीछे पूरी ट्रोल आर्मी भी लगाई गई थी। इस मैटर में भी ट्विटर पर चल रहा था कि अब रविश कुमार रिज़ाइन करेंगे, क्या रविश कुमार अब पकोड़े बेचेंगे, लेकिन हमेशा की तरह उनका एक एकदम अलग स्टाइल में जवाब आया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था कि माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बम्बैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपका रविश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 TRP एंकर। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए उनको एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में मिला था। एक प्रोग्राम में रविश कुमार को एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपका चैनल बैन होता है तो आप क्या करेंगे। बैन कैसे लगे, खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे, इसमें क्या है? अडानी ग्रुप एनडीटीवी टेक ओवर करने के बाद जाहिर सी बात है कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा ये तो हम पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकते। गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी के रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए हमको अलग से पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अडानी पर एलिगेशन करे जाते हैं कि ये पार्टी को फंड करते हैं और बदले में उनको गवर्नमेंट से फेवर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये भी आरोप किया गया था कि अडानी को बहुत सारी जमीन एकदम कम दाम में दी गई थी। कुछ महीने पहले की बात है कि जब श्रीलंकन गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आई थी कि पीएम मोदी ने अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात करी थी, लेकिन जब न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो गई तो उनके प्रेशर की वजह से उस स्टेटमेंट को बदला गया था। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी कि एनडीटीवी के 29.18% शेयर्स अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से खरीद लिए हैं। एनडीटीवी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अडानी ग्रुप के एक्विजिशन के बारे में उसके फाउंडर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय से न कोई बात हुई, न उनकी परमिशन ली गई। इन दोनों के एनडीटीवी में 32.26% शेयर्स हैं। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को कैसे खरीदा ये अब हम देखते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सब्सिडरी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स ने ट्यूजडे को VCPL को खरीद लिया। VCPL ने 2009-10 में एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी ओनरशिप रॉय दंपति के पास थी, उस कंपनी को 403 करोड़ रुपए का लोन दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि VCPL के लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस जीरो इंटरेस्ट लोन के बदले में RRPR ने VCPL को वारंट जारी करा था।
इस वारंट के अनुसार अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर सकती तो ऐसी कंडीशन में लोन देने वाली कंपनी को आरआरपीआर में 99% शेयर्स मिलने का अधिकार होगा। दिलचस्प बात यह है कि वीसीपीएल ने आरआरपीआर को कर्ज देने के लिए पैसा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी रिलायंस स्ट्रैटेजिक वेंचर से लिया था। वीसीपीएल का 11.75 करोड़ रुपए में टेक ओवर करने के बाद अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 26% शेयर्स और खरीदने की अनाउंसमेंट करी है। इसके लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अडानी ग्रुप के पास 50% से ज़्यादा शेयर्स होंगे और एनडीटीवी पूरी तरह उनके हिसाब से चलाई जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ओपन ऑफर क्या होता है। किसी कंपनी का बड़ा इन्वेस्टर ओपन ऑफर के जरिए उस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक लेने की कोशिश करता है। ऐसा तब होता है जब वो दूसरे पब्लिक शेयर होल्डर्स से शेयर खरीदना चाहते हैं। इसके तहत शेयर होल्डर्स को किसी स्पेशल अमाउंट की ऑफर की जाती है। अगर ये ऑफर शेयर होल्डर्स को ठीक लगी तो फिर वो अपना शेयर बेचते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।